हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो रोहित डेली ब्लॉग और मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। तो आज हम लोग जाएंगे, हमारे इधर पहले एक किला था, तो वो एक किला जो है अब टूट गया है, तो वो खंडर टाइप में है, उसका नाम बारादरी है। तो अभी चलेंगे तो आपको बारादरी पूरा दिखाएंगे कि कैसा है, और उसके बाद फिर नहा धो के हम लोग चलते हैं और नाश्ता वास्ता कर लें, उसके बाद फिर आपको वहीं पे मिलते हैं। तो मिलते हैं फिर वहाँ पे डायरेक्ट। तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं बारादरी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब बारादरी आपको दिखाना है, तो ये बारादरी का मेन गेट है, तो यहीं से अंदर होते हैं। ये हवेली टाइप की दिख रही है, तो ये यहाँ पे पहले राजा लोग रहते थे, आपको दिखाने के लिए लाए हैं। और इसमें सब जानकारी दी हुई है कब कौन से सन में ये बनी हुई थी, पढ़ सकते हो इसमें। और अब मैं बताता हूँ आपको, एक सीढ़ी यहाँ से, एक सीढ़ी वहाँ से, और ये बहुत दूर से बनी हुई है। यहाँ से आप मान के चलो कम से कम यहाँ पे 2 किलोमीटर के एरिया में पूरी दीवाल घेरी हुई है। आप डिज़ाइन देख सकते हो यहाँ की, ऐसा लग रहा है हवेली में आ गए किसी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश रुक गई इसके वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे भी एंट्री, यहाँ पे बैठते उठते थे राजा वजा लोग जो भी थे, यहाँ पे बैठते उठते थे, जिसको बैठका बोलते हैं, अपना मीटिंग वीटिंग यहीं पे करते थे। और इस साइड में नदी है, और हमारे सरवन भाई इधर आ चुके हैं। मैंने इनको फ़ोन करके पहले ही बुला लिया था, तो ये पहले से ही आ रखे हैं। और सरवन भाई, हेलो गाइस, और मैंने आपको इनके चैनल के बारे में बताया, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। इधर नीचे की साइड चलते हैं, आ जाओ सरवन भाई, नीचे की साइड चलते हैं, एक बार देखते भाइयों को दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हो नदी, और ये सीढ़ी जो था, क्या कह रहे हो भाई? यहाँ तक पानी था पहले, यहाँ तक था ना, और एक बार आप बता दो कहाँ से वो सीढ़ी थी। अरे यार, सीढ़ी वो दिख रहा है अभी, दो सीढ़ी डूबा हुआ है पानी। हाँ, दो सीढ़ी जो है यहाँ पे डूबी हुई है। आओ हम, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, और सीढ़ी जो है पानी के नीचे भी जा चुका है, वो शायद दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दिख रही होगी ये, हाँ वाला, और नीचे भी है, और ये जलकुंभी के वजह से जो है पूरा दिखाई नहीं दे रहा, ये पानी बहुत साफ रहती थी। आओ इधर दिखाते हैं, इधर जेल टाइप में बनाया गया है पहले से। आपने देखा ये बारादरी, और इसके बारे में मेरे को पता नहीं है, सरवन भाई को पता है, इसलिए मैंने इनको बुलाया। अब इस समय छत पे चले गए, चलो आप लोगों को इधर दिखाते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, पानी पहले यहाँ तक भरी रहती थी, ऊपर तक जो ऊपर दिख रही है आपको, और रोड तक पूरी भरी रहती थी, अब तो इस समय कम हो गया है। ऐसे नहीं, वो उधर मछली मारी जा रही है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे शाम के टाइम में जब आप सनसेट, जब अभी तो सूरज बहुत ऊपर है, डूबेगा ना, तो आपको बहुत अच्छा व्यू लगता है, और यहाँ से देखो कितना अच्छा दिख रहा है। चलो सर अंदर ऊपर चलते हैं, चलो छत के ऊपर चलते हैं, सीढ़ी के ऊपर चलते हैं। सरवन भाई यहाँ से ना आराम से आना है, क्योंकि ये सीढ़ी पता है बहुत खड़ी है, बारिश के समय पे वो काई जम जाती है, फिसलन होती है, इसके वजह से फिसलन हो जाती है। ये को वाला है जिससे हम लोग आए हैं, और ये के वाला सीढ़ी है, ये वाली बंद कर रखी है, ये वाली बंद होती है, हमेशा बंद रहती है। और यहाँ पे देखो नजारा लग रही है, इधर दिखा दो, देखो कितना अच्छा नजारा, बादल भी हो रहे हैं बारिश का समय, जैसे कि आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग देख सकते हो वो जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, वो मेरा ही घर है, पर मैं आता बहुत कम हूँ यहाँ पे। आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो फिर से बनाई है, ताकि आप लोगों को मैं बताऊँ। और यहाँ पे बीच में, यहीं पे मैंने आपको बताया था बैठका जो भी था इन लोगों का, यहीं पे मीटिंग वीटिंग होती थी राजा महाराज, ये नीचे के साइड में, और वो जो आप देख रहे हो ना, ये इस साइड में, आओ मैं दिखाता हूँ, इस साइड में ये जो है कबूतरों को पानी देने के लिए,
ये अभी जल्दी बनाई गई थी कि बारिश, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कबूतरों को पानी पिलाई जाती है। और ये छत जो आप देख रहे हो ना, ये टूटा हुआ पहले, पता है ये सरवन भाई पूरा, ये जो है ना छत पूरा छत ये एक बराबर था। और ये जो है ना बीच में मतलब ऐसा कुछ हो गया कि पता नहीं क्या हुआ कि ये टूट के नीचे गिर गया और ये सीधा सिर्फ ये कोना कोना बचा हुआ है। दिखा दो ये, अगर आप लोगों को ये पूरा घूमना है तो मैं पता जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिए और हमारे रोहित मौर्या चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।